नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती 2019, दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एक लेटर वायरल हुआ था राजस्व मंडल अजमेर का कि पटवारी भर्ती के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, उसी लेटर को हमने जब एनालिसिस किया तो वो फेंक निकला। फेंक किस तरीके से है, फर्जी किस तरीके से है, वो भी आप जान सकते हैं। आगे वीडियो में बताने वाला हूँ विद प्रमाण के साथ कि वो लेटर फेक कैसे था। तो दोस्तों, 2019 की पटवारी भर्ती है, उसमें टोटल पद कितने होंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं वो लेटर आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, डेट यहाँ पर अच्छी थी 10/7/2019, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और चीज़, ये यहाँ पर देख सकते हैं, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस लाइन को अगर आप, हिंदी आपकी अच्छी है तो आप समझ गए होंगे, महोदय यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब है ये वसुंधरा राजे सरकार के टाइम का था। और इसमें देखिए 2018 और 19, तो दोस्तों जो बजट है 19 और 20 के लिए पारित किया गया है, ना कि 18 और 19 के लिए, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई, 18-19 के लिए नहीं है, 19-20 के लिए। एक यहाँ पर ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, ठीक है, महोदय आता है स्त्री के, स्त्रीलिंग के पक्ष में महोदय शब्द का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बिंदु संख्या, बजट भाषण की बिंदु संख्या 173 है, तो 173 पर भी मैं आगे बताने वाला हूँ, 173 नंबर पर क्या पॉइंट था, ठीक है। और 2000 पटवारियों की इसमें घोषणा की गई है, ठीक है। अब दोस्तों जो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने कल जो बजट पास किया, उसमें जो रोज़गार का कॉलम है वो 133 नंबर पे है, ना कि 173 पे, ठीक है। तो वो 173 पे पिछली गवर्नमेंट के समय का था, और ये अब 133 पेज पे देखिए, आप बजट में देख सकते हैं कौशल और रोज़गार 133 नंबर का पॉइंट है, ठीक है। और वहाँ क्या बताया गया था वायरल लेटर में, 173 नंबर बिंदु पर, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए अब ये आपका आ गया, जो 75,000 पद थे उनमें जो क्रम बिंदु संख्या 134 है, और इसमें देखिए रेवेन्यू यानी राजस्व, और राजस्व के अंतर्गत दोस्तों आपके पटवारी और तहसीलदार वगैरह ये आते हैं, ठीक है। तो तहसीलदार की पोस्ट तो आरएएस वगैरह से भर दी जाती है, लेकिन रेवेन्यू में कितने पद होंगे, रेवेन्यू मीन्स पटवारी, तो पटवारी में दोस्तों 4,646 पदों की यहाँ पर घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये पद होंगे 2019 की भर्ती में, और ये जो लेटर है, ये जो कल से वायरल हुआ है, वो बिल्कुल एडिटिंग किया हुआ है और उसकी कोई भी सत्यता नहीं है, वो फर्जी है। मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, लेकिन वो जल्दबाजी में किया गया वीडियो था, बाद में मैंने उसे YouTube से हटा भी दिया था, क्योंकि मैं फेक जानकारी आप लोगों को देना नहीं चाहता दोस्तों, इसलिए वो जो लेटर है बिल्कुल फेक है। पटवारी भर्ती में पद होंगे 4000 प्लस, ठीक है। और दोस्तों देखिए, वैकेंसी का अब आप लोग का एक ही सवाल होगा, वैकेंसी कब तक आएगी, तो दोस्तों देखिए वैकेंसी कभी भी आए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और वैकेंसी अब देखिए, कल तो इस बजट में इस चीज़ की घोषणा की गई है, धीरे धीरे इन पर अमल होगा। तो देखिए दोस्तों, अगस्त और सितंबर तक आप लोग इस वैकेंसी का यहाँ पर इंतज़ार ख़त्म हो सकता, अगस्त और सितंबर तक तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए ये वैकेंसी उसके बाद ही आएगी, अगस्त सितंबर तक इस पर कार्रवाई स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 4000 से ज़्यादा पद होंगे, और कल जो 2000 जो पद थे उनका जो बिंदु संख्या 173 था, जो आपने देखा होगा, तो वो बिल्कुल फेक है, उस पर विश्वास ना करें। मैंने पूर्ण विश्लेषण करने के बाद उस वीडियो को रात को डिलीट कर दिया था, अब एक नया वीडियो आप लोगों के लेकर आया हूँ प्रमाण के साथ। बिंदु संख्या 173 इस बजट में है नहीं, 133 और 134 जो बिंदु हैं उन पर रोजगार के बारे में बताया गया है, नई भर्तियों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसलिए जो ये पटवारी भर्ती के लिए जो ये कल लेटर वायरल हुआ था, ठीक है, वो बिल्कुल फेक है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, तो हमें लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको हर एक नौकरी और वैकेंसी शिक्षा संबंधी की जानकारी प्रमाण के साथ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।